Hi guys, once again welcome back to my channel. I hope you all are fine and taking good care of your health. So guys, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे टॉप 10 हेयर केयर टिप्स, जिसमें हमने बात की थी हमारी कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में, जिनमें से कुछ अच्छी होती हैं हमारी हेयर हेल्थ के लिए और कुछ अच्छी नहीं होती हैं हमारी हेयर हेल्थ के लिए। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज के बारे में, क्योंकि मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया है और कहा है कि दी मुझे कोई 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज बताएं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज। इन 30 डेज में मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव हो, आपकी हेयर की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो, अगर आपके स्कैल्प में कोई इशू है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। मैं शेयर करूंगी इन 30 डेज के लिए होममेड हेयर ऑयल, होममेड सीरम, होममेड हेयर पैक एंड होममेड कंडीशनर, जो सब मिलकर आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेंगे, आपके बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और अगर स्कैल्प से रिलेटेड भी कोई इशू है तो उसे भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेयर ऑयलिंग से, क्योंकि किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है, बालों की ग्रोथ नहीं होती है, स्कैल्प का कोई इशू है, डैंड्रफ रहता है, बालों की क्वालिटी ख़राब है, बाल फ्रिजी हैं, उलझे उलझे रहते हैं, तो सब कुछ करने के लिए सबसे पहला स्टेप हेयर ऑयलिंग है। हेयर ऑयलिंग मस्ट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि हेयर ऑयलिंग नहीं करते हैं, कंडीशनर्स लगाते हैं, सीरम्स लगाते हैं और हेयर पैक्स भी लगाते हैं, लेकिन हेयर ऑयलिंग नहीं करते हैं। लेकिन जो बेनिफिट्स हेयर ऑयलिंग हमारे बालों को देती है, हमारे नर्वस सिस्टम को देती है, हमारे स्कैल्प को देती है, वो कोई भी सीरम और कोई भी कंडीशनर नहीं दे सकता है। सो गाइस, हेयर ऑयलिंग मस्ट है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा हेयर ऑयल जो कि हेयर ऑयल नहीं है, हेयर रेमेडी है। हम सभी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं साउथ इंडियंस के बालों से कि कितने मोटे थिक रस्सी जैसे होते हैं, काले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी एज में जाके कहीं उनके बाल ग्रे होना शुरू होते हैं, अदरवाइज़ काले ही रहते हैं। तो ऐसा क्या सीक्रेट है, ऐसा क्या मैजिक है उनके पास? खाना पीना और वहाँ की हवा तो है ही, लेकिन वहाँ कुछ दिन रहकर मैंने देखा है एक ऐसा मैजिक ऑयल जो वहाँ हर घर में यूज़ होता है। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे उसी मैजिक ऑयल की रेसिपी। ये मैजिक ऑयल एक सच में दवाई की तरह है आपके बालों के लिए, क्योंकि मैंने भी इसको यूज़ किया है और ये बालों की हर तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, बालों को स्ट्रेट करता है, बालों को स्मूथ करता है। और अगर हेयर फॉल का, हेयर थिनिंग का, हेयर ग्रोथ का कोई भी इशू है तो ये इसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। इसमें डलने वाले सारे ही इन्ग्रीडियंट्स मेडिसिंस की तरह काम करते हैं और ये ऑयल में डाल के ये ऑयल खुद एक मेडिसिन ही बन जाता है हमारे बालों के लिए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं इस ऑयल को और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से लगाना है। सो गाइज, इस मेडिसिनल हेयर ऑयल को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक बोल और उसके अंदर मैं लूँगी 1/2 टीस्पून मेथी सीड्स यानी फेनुग्रीक सीड्स, जो कि बहुत ही हाई प्रोटीन वाले होते हैं। इनका निकोटिनिक एसिड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेयर फॉल में, डैंड्रफ में, बॉलनेस में, हेयर थिनिंग में, हेयर ड्राई का प्रॉब्लम है तो उसमें भी। दूसरा 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ कलौंजी सीड्स यानी कि ऑनियन सीड्स। इनके एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूट्रिएंट बालों को स्ट्रेंथ देते हैं, हेयर लॉस को भी ट्रीट करते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं अगर प्रीमैच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है तो। तीसरा 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है यहाँ करी लीव्स पाउडर। आप चाहें तो करी लीव्स को भी तोड़कर डाल सकते हैं। करी लीव्स के बीटा कैरेटिन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड्स हेयर फॉलिकल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हेयर फॉलिकल्स वीक हो गए हैं तो उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और डेड हेयर फॉलिकल्स को भी ट्रीट करके न्यू बेबी हेयर्स लाने में हेल्प करते हैं। इन सबको हमें ग्राइंडर में डाल के इनका एक अच्छा सा पाउडर बना लेना है और उस पाउडर को अब हम एक ग्लास बॉटल में भर लेंगे। छोटी सी ग्लास बॉटल ली है मैंने क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल नहीं बनाने वाली हूँ। आप भी कोशिश करें कि हर बार ऑयल को 4 या 5 टाइम्स एप्लीकेशन के लिए ही बनाएं। मैक्सिमम हर एक महीने में आप ऑयल दोबारा से बनाएं, क्योंकि हम इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे हैं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ 4 वीक से ज़्यादा नहीं होगी। सो आप 4 वीक्स के लिए ही
बनाएं ऑयल को और फिर दोबारा 4 वीक्स के बाद बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ग्लास बॉटल में इस सारे पाउडर को शिफ्ट कर लिया है। अब हमें ऐड करना है वो हेयर ऑयल जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं। मैं यूज़ करती हूँ आमंड ऑयल, तो मैंने इसमें आमंड ऑयल फिल कर लिया है। आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, वो फिल कर सकते हैं। सो बेस ऑयल आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल ज़रूर ऐड करना है। कोशिश करें कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल ही यूज़ करें, लेकिन ज़रूर यूज़ करें। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है और इसको 24 घंटे के लिए हम रख देंगे। इस ऑयल को 24 घंटे बाद ही हमें यूज़ करना है, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें पाउडर बनाकर मिक्स की हैं ऑयल में, उनके सारे न्यूट्रिएंट्स इस ऑयल में समा जाएं। सो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 24 घंटे बाद हमारा तेल रेडी हो जाएगा, हमारे सारे हर्ब्स इस ऑयल के अंदर आ जाएंगे और हमारा तेल रेडी टू यूज़ हो जाएगा। अब देखिए 24 आवर्स के बाद मैंने ऑयल निकाल लिया है, हमारे ऑयल का कलर कम्प्लीटली चेंज हो गया है, ग्रीन कलर आ गया है, क्योंकि इसमें कलौंजी का असर है, मेथी का असर है, इसमें करी लीव्स का असर आ गया है और अब ये बिल्कुल मेडिसिन की तरह काम करेगा। तो मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। इसको अपने बालों में आपने अच्छी तरह से जड़ों में स्कैल्प पे अप्लाई करना है और बहुत अच्छे से मसाज करनी है। पहले आप इसको अपने फिंगर टिप से पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा लें और उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करें। आपको अपने पूरे हेड में बहुत अच्छे से मसाज करनी है और कम से कम 15 मिनट्स मसाज आपको करनी ही करनी है इस ऑयल से। आप चाहें तो अपने बालों की लेंथ में भी ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको स्कैल्प पर तो इसको लगाना ही लगाना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ऑयल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप ऑयल अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नेक्स्ट डे शैम्पू भी यूज़ करना पड़ेगा, तो ऑयल का इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना नुकसान ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने का होगा। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा कि वो बहुत सारा ऑयल लगाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे उसी ऑयल को निकालने के लिए बहुत सारा शैम्पू भी यूज़ करते हैं, तो फ़ायदे के बदले हमारे बालों को अल्टीमेटली नुकसान ही झेलना पड़ता है। सो ऑयल उतना ही लगाएं जिससे कि आपके स्कैल्प में वो पहुंच सके, बालों के रूट्स में वो जाए। और मैं तेल हमेशा शैम्पू करने से एक रात पहले लगाती हूँ। आप भी कोशिश करें कि हमेशा बालों में तेल शैम्पू करने से कम एक रात पहले लगाएं, जिससे कि रात भर हम वो तेल हमारे बालों में अपना असर करे, हमारे स्कैल्प पर उसके हर्ब्स काम करें और हमारे बालों और हमारे स्कैल्प को उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। और मैं एडवाइस करूंगी आपको कि ये ऑयल अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं या हेयर थिनिंग का, हेयर फॉल का कोई भी इशू है जिसके लिए आप इस ऑयल को लगा रहे हैं, तो हर बार शैम्पू करने से एक रात पहले इस ऑयल को ज़रूर अप्लाई करें, कम से कम 15 मिनट्स इसकी मसाज करें और फिर अपने बालों को बांध कर टाई करके फिर सोएं। सो गाइस ज़रूर ट्राई करें इस हेयर ऑयल को, ये आपकी हेयर हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर देगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।